के विवाद के चलते हत्या की योजना बना रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में एनसीबी पथक को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश कोकाटे ने दी। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि सिल्लेवाड़ा तामसवारी इलाके में एक व्यक्ति द्वारा पिस्टल फायर की गई है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी श्रीकांत नारनवरे के घर की जांच की, जिसमें उन्हें एक पिस्टल और 5 कारतूस मिले। श्रीकांत से कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि आरोपी सागर सहारे और आरोपी प्रतीक चौरे से उसने ये पिस्तौल ली है और उन्हीं के साथ मिलकर उसने पिस्तौल फायर की थी, जिसके पश्चात पुलिस ने आरोपी प्रतीक को हिरासत में लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि कृष्णा यादव नामक व्यक्ति से उनका पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और इसीलिए उन्होंने ये पिस्तौल लाई थी। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश कोकाटे ने अधिक जानकारी साझा की। आमचे एनसीबीचे एपीआय राऊत यांचं पथक माननीय पोलीस अधीक्षक श्री मगर साहेब यांच्या मार्गदर्शनात कनानेतील घरगुडीचा तपास करीत असताना त्यांना माहिती मिळाली की पार्श्वनी एरियात श्रीकांत प्रल्हाद नारनवरे प्रतीक लीलाधर चौरे यांच्याकडे एक वेपन आहे आणि त्या वेपनमधून त्यांनी 2 राऊंड मिस फायरसुद्धा केलेले आहेत, म्हणजे फायर होते की नाही हे बघण्यासाठी। तर त्या माहितीवरून त्यांनी श्रीकांत नारनवरे याच्या घराची झडती घेतली, त्यामध्ये त्यांना एक मावजर मिळालेल्या माहितीप्रमाणे आणि 5 जिवंत कारतूस मिळाले। तर त्यानंतर त्याच्या माहितीवरून प्रतीक लीलाधर चौरे याला ताब्यात घेतलं। त्यांनी सांगितलं की सागर सहारे जो दहेगाव जोशीचा आहे त्यांनी ते वेपन आणलेलं आहे। सागर सहारेचा शोध घेतला असता तो मिळून आला नाही। वेपन 4 राऊंड हे जप्त करण्यात आलेले आहेत। अधिक माहिती घेता त्यामध्ये 5 राऊंड अधिक माहिती घेता त्यांनी कृष्णा यादव जो आहे त्याच्या आणि यांची दुश्मनी असल्यामुळे त्याचा काहीतरी बदला घेण्यासाठी सदर वेपन आणल्याची माहिती मिळालेली आहे तपासामध्ये। सागर सहारे मिळाल्यानंतर इतरही गोष्टी त्यामध्ये निष्पन्न होतील। संपूर्ण कारवाई ही माननीय SP साहेब श्री विजय मगर साहेब यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आलेली आहे। पुढील तपास सुरू आहे। ये पिस्टल कहां से लाई गई है इसकी जानकारी आरोपी सागर सहारे ही दे सकता है, जिसके चलते पुलिस सागर की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से निश्चित ही बड़ी अनहोनी होने से टली है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज नागपुर। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।